In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Today the topic is chapter number 1, the Savior of Mankind, grade 9, chapter 1. Arabia is a land of unparalleled charm. Arabia is a land. Arab ek sarzameen hai. Of unparalleled charm, be-misal dilkashi ki. Students, unparalleled hota be-nazir, be-misal, incomparable, inimitable, unmatched. एंड ब्यूटी और जमाल की, ये लफ्जी तर्जमे के नोट्स हैं आपके लिए फर्स्ट टाइम. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेरास्ता सहराओं के साथ, विद के साथ, इट्स अपने, ट्रैकलेस बेरास्ता यानी जिसमें रास्ते ना बने हों, क्योंकि सहरा में रास्ते नहीं होते, डेजर्ट सहराओं में, रेगिस्तानों में, रेगजारों में. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स, अपने बेरास्ता सहराओं के साथ. ऑफ सैंड ड्यून्स, रेत के टीलों वाले. ड्यून क्या होता है? टीला. इन द डेजलिंग रेज, चुंधिया देने वाले शो में. डेजलिंग इतनी ब्राइट होती है कि आपकी आंखें बंद हो जाती हैं. बहुत तेज रोशनी को कहते हैं चुंधिया देने वाली, जिसमें आंखें चुंधिया जाती हैं यानी बंद हो जाती हैं, आंखें जिसको देख नहीं सकती, दैट इज कॉल्ड डेजलिंग. डेजलिंग रेज, चुंधिया देने वाली शोएं किसकी? ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की. ट्रॉपिकल मीन्स हॉट. डियर स्टूडेंट्स, इसको हम तीन पार्ट्स में ट्रांसलेशन करेंगे इस जुमले की. क्लियर? इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, इस पार्ट को आप नंबर वन कर लें. इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शॉ में, यहाँ पे ऐड कर लें, क्या लिखना है? में. गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शॉ में. उसके बाद ये पहला पार्ट है, बामुहावरा तर्जमे में भी हमने इसको शुरू में लिखना है. क्लियर? तो ये पहला पार्ट क्या है? गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शो में. दूसरे पार्ट में, विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, हमने ये करना है. क्लियर? अपने बेरास्ता सहराओं, कौन से सहरा? रेत के टीलों के या रेत के टीलों वाले. अपने रेत के टीलों वाले बेरास्ता सहराओं के साथ दूसरा पार्ट है ये. रेत के टीलों के अपने बेरास्ता सहराओं के साथ, ये इसका नंबर वन कर लें. गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शौ में, रेत के टीलों के अपने बेरास्ता सहराओं के साथ. अब पहले पार्ट का एंड पे ट्रांसलेशन कर लेंगे. अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और जमाल की सरजमीन है. ब्यूटी हुसन को भी कहते हैं, जमाल को भी कहते हैं, खूबसूरती को भी कहते हैं. तो इसका तर्जुमा डियर स्टूडेंट्स नंबर 3 पे करेंगे. नंबर 3 पे. सो लिहाजा इस फर्स्ट सेंटेंस को आप तीन सेंटेंसेस में मेल्ट कर सकते हैं. क्लियर? सो पहला से बामुहावरा तर्जुमा स्टूडेंट्स बैक से शुरू करेंगे. इन द डेजलिंग रेज ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, गर्म सूरज की चुंधिया देने वाली शॉम में. विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स, अपने रेत के टीलों के बेरास्ता सहराओं के साथ. अरेबिया इज अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी. अरब एक बेमिसाल दिलकशी और जमाल की सरजमीन है. सेंटेंस टू. सेंटेंस टू, इट्स स्टारी स्काई, इसके तारों भरे फलक ने. तारों भरे फलक ने, स्काई को फलक भी कहते हैं, चुरख भी कहते हैं, गर्दूं भी कहते हैं, अंबर भी कहते हैं, गगन भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं. सो इसके इट्स स्टारी स्काई, इसके तारों भरे फलक ने, हैज एक्साइटेड, जिला बख्शी है. किसको? द इमेजिनेशन, तखय्युल को. किसके तखय्युल को? ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, शायरों और मुसाफिरों के. इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ द पोएट्स एंड ट्रैवलर्स, इसके तारों भरे फलक ने शायरों और मुसाफिरों के तखय्युल को जिला बख्शी है. इट वॉज इन दिस लैंड, ये इसी ही सर जमीन में था, ये इसी ही सर जमीन में था. दैट द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज बॉर्न, जहाँ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए. कहाँ पे? इन द सिटी ऑफ मक्का, शहर मक्का में. विच इज़ अबाउट 50 miles, जो तकरीबन 50 मील के फासले पर है. विच इज़ अबाउट 50 miles, जो तकरीबन 50 मील के फासले पर है. कहाँ से? फ्रॉम द रेड सी, बहरा अहमर से. रेड सी, बहरा अहमर. तो ये स्टूडेंट्स कैपिटलाइज्ड होगा, यहाँ मिस्टेक है. क्लियर? विच इज़ 50 miles फ्रॉम द रेड सी, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है. क्लियर? इसी सरजमीन में था जहाँ पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहर मक्का से, जो बहरा अहमर से तकरीबन 50 मील के फासले पर है, पैदा हुए. सेंटेंस नेक्स्ट, पैराग्राफ नंबर 2. नाउ विल मूव टू पैराग्राफ 2. पैराग्राफ 2 इज
द अरब्स पोसेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, अरब पोसेस्ड अरब मालिक थे, रखते थे, हामिल थे किस चीज़ के, अ रिमार्केबल मेमोरी एक ज़बरदस्त हाफजे के, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल और फसीहुल लिसान लोग थे। अरब पोसेस्ड अ रिमार्केबल मेमोरी, अरब एक ज़बरदस्त हाफजा के मालिक, एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल और फसीहुल लिसान लोग थे। स्टूडेंट्स, पीपल लोगों को भी कहते हैं और कौम को भी कहते हैं। पीपल की जमा जब पीपल्स होता है तो वह अकवाम होती है। सेंटेंस टू ऑफ पैराग्राफ टू, देयर इलोक्वेंस एंड मेमोरी, उनकी फसाहत और हाफजे ने, फाउंड एक्सप्रेशन इजहार पाया, इन देयर पोइट्री उनकी शायरी में, देयर इलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोइट्री, उनकी फसाहत और बलागत, उनकी फसाहत और बलागत, इलोक्वेंस एंड मेमोरी और उनके हाफजे ने, फाउंड एक्सप्रेशन इन द पोइट्री उनकी शायरी में इजहार पाया। यानी उन्होंने कैसे साबित किया कि वो फसीहुल लिसान और हाफजे वाले लोग थे, उन्होंने शायरी लिख के, अब शायरी उसका इजहार थी। नाउ विल मूव टू सेंटेंस थ्री, एवरी ईयर, हर साल अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला लगता था। मेला की इंग्लिश क्या है? फेयर। मेला की इंग्लिश क्या? फेयर। अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला लगता था, फॉर पोइटिकल कॉम्पिटिशन, शायरी के मुकाबलों के लिए। कहाँ पर? अट उकाज, उकाज के मुकाम पर। हर साल उकाज के मुकाम पर शायरी के मुकाबलों के लिए एक मेला लगता था। हर उकाज के मुकाम पर हर साल शायरी के मुकाबलों के लिए क्या लगता था? मेला। मेला की इंग्लिश क्या है? फेयर। हाउ डू यू स्पेल? FAIR। नेक्स्ट सेंटेंस, इट इज नरेटेड दैट, ये बयान किया जाता है कि, हमाद सेड टू कैलिफ, हमाद ने खलीफा से कहा, खलीफा का नाम है वलीद बिन यजीद, वलीद बिन यजीद, हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, क्या कहा? सुनिए जरा स्टूडेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आई कैन रिसाइट यू, मैं आपको सुना सकता हूँ, यानी जुबानी सुना सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, हर हरफे तहज्जी के लिए, यानी हरूफे तहज्जी के हर हर्फ के लिए, हरूफे तहज्जी के हर हर्फ के बदले, हर हर्फ के बदले। हमाद ने कहा खलीफा वलीद बिन यजीद से कि आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फाबेट, अल्फाबेट हरूफ तहज्जी के, ईच लेटर हर हर्फ, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के बदले में, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 तवील नज़में, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट, बगैर शुमार किए, बगैर गिने, किन को? शॉर्ट पीसीस, उन छोटी नज़मों को, उन छोटी पीसीस पोएम को भी कहते हैं, क्लियर, उन छोटी नज़मों को, कौन सी? एंड ऑल ऑफ दैट, और वो सब जो कंपोस्ट एक्सक्लूसिवली खसूसन लिखी गई। कंपोस्ट का मतलब क्या है? रिटन। कंपोस्ट मीन्स रिटन, एक्सक्लूसिवली स्पेशली, ओके, एंड ऑल ऑफ दोज कंपोस्ट एक्सक्लूसिवली, और वो तमाम नज़में खसूसी तौर पर जो लिखी गई बाय पोएट्स शोरा ने, जो शोरा ने लिखी, यानी शायरों ने लिखी, कब? बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम के नफाज से पहले। ये बयान किया जाता है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर, मैं छोटी नज़मों को शुमार किए बगैर हरूफ तहज्जी के, हरूफ तहज्जी के हर हर्फ के लिए, हर हर्फ के लिए 100 तवील नज़में आपको ज़ुबानी सुना सकता हूँ, और वो सब जो शोरा ने इस्लाम के नफाज से पहले खसूसी तौर पर लिखी। स्टूडेंट्स, ये था पेज वन। अब पेज टू हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे उसकी। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल कंटिन्यू विद सेंटेंस फाइव, पेज नंबर टू। वी आर ऑन पेज नंबर टू, ये बॉटम में आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर टू है चैप्टर नंबर वन का। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इट इज़ नो स्मॉल वंडर, ये छोटा मौजज़ा नहीं, दैट अल्लाह अलमाइटी चोज, कि अल्लाह ताला ने इंतखाब किया, अल्लाह ताला ने मुंतखब किया किसको? द अरेबिक लैंग्वेज, अरबी ज़ुबान का। ये छोटा मौजज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया,
फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपने आखिरी पैगाम के लिए, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, और अपने कलाम की हिफाजत के लिए, हिज वर्ड अपने कलाम की प्रिजर्वेशन हिफाजत। ये छोटा मौजा नहीं है कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगाम के लिए और अपने कलाम की हिफाजत के लिए अरबी ज़ुबान का इंतखाब किया। सो स्टूडेंट्स, आप बताएं कि अल्लाह ने अरबी ज़ुबान क्यों चूज़ की है, ये क्वेश्चन का आंसर भी है। सो फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, क्लियर, अपने पैगाम के लिए और अपने कलाम की हिफाजत के लिए। नेक्स्ट, इन द फिफ्थ एंड सिक्स्थ सेंचुरीज, पांचवी और छठी सदी में, मैनकाइंड स्टूड, इंसानियत खड़ी थी ऑन द वर्ज, दहाने पर, किनारे पर या मुंह पर, ऑफ क्योस, इंतशार के, पांचवी और छठी सदी में इंसानियत इंतशार के या तबाही के, क्योस क्या होता है, तबाही या इंतशार या कन्फ्यूजन को भी कहते हैं, CONFUSION। सो इंसानियत इंतशार के दहाने पर खड़ी थी या किनारे पर खड़ी थी। इट सीम्ड दैट, ऐसा लगता था, द सिविलाइजेशन, जिस तहजीब को, विच हैड टेकन, जिसे लगे थे, जिस तहजीब को लगे थे, कितने, 4000 years, 4000 साल, 4000 years, 4000 साल, टू ग्रो, परवान चढ़ने में या बढ़ोतरी पाने में या नशोनमा पाने में, फलने फूलने में, ऐसा लगता था जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुकी थी या इसका शिराजा बिखरना शुरू हो चुका था। ऐसा लगता था कि जिस तहजीब को परवान चढ़ने में 4000 साल लगे थे, टूट फूट का शिकार होना शुरू हो चुकी थी या टूटना शुरू हो चुकी थी या इसका शिराजा बिखरना शुरू हो चुका था। सेंटेंस 3, इट एट दिस पॉइंट इन टाइम, वक्त के इस मरहले पर, वक्त की इस आन में या वक्त की इस घड़ी में, अल्लाह अलमाइटी रेज्ड अ रसूल, अल्लाह ने एक रसूल मबऊस फरमाया, मीम बे मब ऐन वाउ और सा, क्लियर, अल्लाह ताला ने एक रसूल मबऊस फरमाया, किन में, फ्रॉम अमंग देम सेल्स, उन्हीं में से, अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल मबऊस फरमाया, हु वाज टू लिफ्ट द ह्यूमैनिटी, जिसने इंसानियत को ले जाना था, फ्रॉम इग्नोरेंस, गुमराही से निकाल कर, इग्नोरेंस क्या है, जहालत से निकाल कर, जिसने इंसानियत को गुमराही या जहालत से निकालकर, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, ईमान की रोशनी में या नूरे ईमान में, क्लियर। सो वक्त के इस मरहले पर अल्लाह ताला ने उन्हीं में से एक पैगंबर मबऊस फरमाया, पैगंबर भेजा, जिसने इंसानियत को उनकी गुमराही से निकालकर, जिसने इंसानियत को उनकी गुमराही से निकालकर ईमान की रोशनी में ले जाना था या नूरे ईमान में ले जाना था, ईमान की रोशनी या नूरे ईमान। नेक्स्ट, विल मूव टू पैराग्राफ नंबर 4, पैराग्राफ नंबर 4 ऑफ चैप्टर 1। व्हेन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 years ऑफ एज, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 38 बरस हुई, 38 years, स्टूडेंट इसको ईयर नहीं कहना, ईयर कौन है, ईयर्स है, क्लियर। ही स्पेंट मोस्ट ऑफ हिज टाइम, आप अपना ज्यादातर वक्त गुजारते किस में, इन सॉलिट्यूड, तन्हाई में, सॉलिट्यूड क्या होती है, तन्हाई, लोनलीनेस, एंड मेडिटेशन, और मुराकबे में। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 38 बरस हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ज्यादातर वक्त बताएं किस में गुजारते थे, तन्हाई, सॉलिट्यूड में, एंड मेडिटेशन, और मुराकबे में। मुराकबे की इंग्लिश क्या है, मेडिटेशन, और तन्हाई की सॉलिट्यूड। नेक्स्ट, सेंटेंस नंबर 2 ऑफ पैराग्राफ 4, इन द केव ऑफ हिरा, गारे हिरा में, केव गार होती है, केव क्या होती है, गार, ही यूज्ड टू रिटायर विद फूड एंड वाटर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी और खाना ले जाते, खाना पानी ले जाते, अनस्पेंट, ये डी नहीं हो, सॉरी डी होगा, क्योंकि यूज टू है, टू के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ये इसके लिए टू कॉमन है, रिटायर के लिए भी और स्पेंड के लिए। सो एंड यूज टू स्पेंड डेज एंड वीक्स, और कई दिन हफ्ते गुजार देते, कई की दिन और हफ्ते
गुजार देते इन द रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह के जिक्र में। स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, जिक्र की इंग्लिश क्या है, अल्लाह की याद में रिमेम्बरेंस, और इसमें बी के बाद ई नहीं है। रिमेम्बर के स्पेलिंग में बी के बाद ई आता है लेकिन रिमेम्बरेंस में नहीं आता। ये बोर्ड में चार नंबर के स्पेलिंग भी आपको आने हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्पेलिंग्स। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी और खुराक गारे हिरा में ले जाते और कई दिन और हफ्ते अल्लाह की याद में गुजार देते। विल मूव टू पैराग्राफ नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, द पीरियड ऑफ वेटिंग, इंतजार की घड़ी, हैड कम टू अ क्लोज, इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। इंतजार की घड़ी इख्तिताम पजीर हो चुकी थी या इख्तिताम को पहुंच चुकी थी। हिज हार्ट वॉज ओवर फ्लोइंग, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लबरेज था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लबरेज था विद प्रोफाउंड कंपैशन, गहरी हमदर्दी से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल गहरी हमदर्दी से लबरेज था, सरशार था, भरा हुआ था फॉर ह्यूमैनिटी, इंसानियत के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इंसानियत के लिए गहरी हमदर्दी से लबरेज था। ही हैड अ प्रेसिंग अर्ज, आपकी शदीद ख्वाहिश थी किस चीज़ की, टू इरेडिकेट रॉन्ग बिलीफ्स, गलत अकायद को ख़त्म करने की। इरेडिकेट होता है रिमूव, अपरूट, जड़ से उखाड़ फेंकना। किस चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म करने की ख्वाहिश करते थे? नंबर एक है गलत अकायद, यानी रॉन्ग बिलीफ्स। रॉन्ग बिलीफ्स क्या है? गलत अकायद। सोशल इवल्स, समाजी बुराइयों को, क्रुअल्टी, जुल्म को, अनइनजस्टिस और नाइंसाफी को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप गिन लें कितनी चीज़ें हैं। गलत अकायद नंबर एक है, समाजी बुराइयों को नंबर दो, जुल्म नंबर तीन, नाइंसाफी नंबर चार। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन चारों चीज़ों को, गलत अकायद, समाजी बुराइयों, जुल्म और नाइंसाफी को ख़त्म करने की प्रेसिंग अर्ज, शदीद ख्वाहिश रखते थे। द मोमेंट हैड अराइव्ड, वो लम्हा आन पहुंचा था, व्हेन ही वाज टू बी बेस्टॉर्ड, जब आपको नवाजा जाना था, आपको अता किया जाना था, आपको इनायत किया जाना था विद नबुवा, नबुवत से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुवत से नवाजा जाना था या नबुवत अनायत की जानी थी, नबुवत अता की जानी थी। वन डे, एक दिन, व्हेन ही वाज इन द केव ऑफ हीरा, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हीरा में थे। हजरत जिब्राइल, गैब्रियल इंग्लिश में कहते हैं, खेम, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम या जिब्रील अलैहिस्सलाम, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आए, एंड कन्वेड टू हिम, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया द फॉलोइंग मैसेज ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला का मंदरजा जैल पैगाम। एक दिन जब आप सल्लम गारे हिरा में थे तो हजरत जिब्रील अमीन या जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लम के पास आए और आप सल्लम को अल्लाह का मंदरजा जैल पैगाम दिया। वो पैगाम क्या है स्टूडेंट्स? I hope you have already read it. Read in the name of thy Lord. पढ़ अपने रब से। Students, ये दाए है। THY, दाए का मतलब होता है योर, ये ओल्ड इंग्लिश है। Who created, जिसने तख्लीक किया, created man, इंसान को तख्लीक किया। From a clot, एक लोथड़े से, फटकी से खून की। Of congealed blood, जमे हुए खून के। Students, ये congealed के spelling important हैं और इसका meaning भी याद होना चाहिए, जमा हुआ खून। अगर आपकी bleeding होती है और खून जम जाता है तो वो congealed blood होगा, clear, clotted भी कहेंगे उसको। क्या? clotted। So, पढ़ अपने रब के नाम से जिसने इंसान को क्रिएटेड मैन, तख्लीक किया, क्रिएटेड मैन दोबारा है। फ्रॉम अ क्लॉट ऑफ congealed blood, इंसान को एक जमे हुए खून के लोथड़े या फटकी से पैदा किया। Read and thy Lord is most bountiful, पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है, करम करने वाला है। Who taught the use of the pen, जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया। अल्लाह जी अल्लामा बिल कलम, जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया। Taught man that which he knew not, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पढ़ और तेरा रब बड़ा करीम है, यह तेरा परवरदिगार बेहद करीम है, जिसने इंसान को कलम के जरिए सिखाया, इंसान को वो सिखाया जो वो नहीं जानता था। पैराग्राफ नंबर 6, द रेविलेशन ऑफ द डिवाइन मैसेज, द रेविलेशन नजूल। स्टूडेंट्स, रेविलेशन क्या है? नजूल। ऑफ द डिवाइन मैसेज, पैगाम इलाही का। डिवाइन होता है ऑफ अल्लाह, यानी जो अल्लाह से रिलेटेड हो। क्लियर? सो पैगाम इलाही का नजूल, पैगाम इलाही का नजूल, विच कंटिन्यूड, जो जारी रहा, फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, जो अगले 23 बरस तक। स्टूडेंट्स, ये 23 इंपॉर्टेंट है, अक्सर स्टूडेंट 23 को 30 लिख देते हैं। इसमें ते के बाद दो ये आएंगी, एक ते ये आएगी, फिर हमजा के बाद फिर ये आएगी, 23।
अगर हम दो ये नहीं लिखते, लेट से एक ही लिखते हैं, तो ये ते ये सीन 30 बनता है। क्लियर? तो आप ये डिक्शनरी में फिरोजुल लगात में भी चेक कर सकते हैं, फरहंग आसफिया में भी कर सकते हैं, उर्दू की अच्छी डिक्शनरीज। सो 23 में दो ये होंगी। सो आई होप दिस इज इंटरेस्टिंग, इजंट इट इंटरेस्टिंग? यस ऑफ कोर्स। ओके, सो विच कंटिन्यूड फॉर द नेक्स्ट 23 ईयर्स, जो अगले 23 बरस तक जारी रहा, हैड बिगन, शुरू हो चुका था, यानी पैगाम इलाही का नजूल जो अगले 23 बरस तक जारी रहा, शुरू हो चुका, या अगले 23 बरस तक जारी रहने वाला पैगाम नजूल, पैगाम इलाही का नजूल शुरू हो चुका था। एंड द रसूल हैड अराइज़न, और पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ खड़े हुए, टू प्रोक्लेम, ऐलान करने के लिए। स्टूडेंट्स, प्रोक्लेम का मतलब क्या है? अनाउंस, क्या मीनिंग है? अनाउंस, ANNOUNCE। ओके, सो डिक्लेयर भी होगा, टू प्रोक्लेम वननेस ऑफ गॉड, अल्लाह की वहदानियत यानी तौहीद। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो चीज़ों का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए हैं, नंबर एक खुदा की वहदानियत का, और नंबर टू द यूनिटी ऑफ मैन काइंड, इंसानियत के इत्तेहाद का। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्लियर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगम्बर खुदा, पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की वहदानियत और इंसानियत के इत्तेहाद का ऐलान करने के लिए उठ खड़े हुए। सो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर पेज नंबर 4 को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करते हैं। यस डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस टू ऑफ पैराग्राफ नंबर 6, हिज मिशन वाज टू डिस्ट्रॉय, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद था तबाह करना, किस चीज को? द नेक्सस, गठजोड़ को, या गानगत को, इतिहाद को, जो एका था उसको, किस चीज का इतिहाद या गठजोड़ था? लॉबी जो थी वो ऑफ सुपरस्टिशन, तवाहम परस्ती की। स्टूडेंट्स, तोहम नहीं कहना, तवाहम कहना है, क्लियर? जब मैं भी आपकी तरह स्टूडेंट था, मैं भी तोहम कहता था, क्लियर? ओके, तवाहम परस्ती को नंबर एक, गठजोड़ किस चीज़ का था? अब वो दोस्ती और जो बंधन था, जो लॉबी थी, ग्रुपिंग थी, वो नेक्सस, वो किस चीज़ का था? नंबर एक है तवाहम परस्ती, नंबर दो है जहालत, नंबर तीन पे कुफर है। अब इन तीनों चीज़ों ने आपस में कठ किया हुआ था, गठजोड़ किया हुआ था, तो आप सल्लम ने उसको तबाह करना था, डिस्ट्रॉय करना था, एनायलेट करना था, एक्सटर्मिनेट करना था, उसको वाइप आउट करना था, इरेडिकेट करना था, क्लियर? सो सुपरस्टिशन, तवाहम परस्ती, इग्नोरेंस, जहालत एंड डिसबिलीफ और कुफर, तीनों चीज़ें लोगों में कठी हुई पड़ी थी, क्योंकि ये कुफर की बात नहीं है कि लोग बेटियों को जिंदा दफन कर देते थे, ये कुफर की बात नहीं है कि जी आपने, हम आपके बंदे ने हमारे ऊंट की तरफ गुस्से से देखा था तो 100-100 साल तक जंग रहती थी, क्या ये कुफर और जहालत नहीं है कि खाना काबा के गिर्द हज़रत सल्लम से पहले औरतें बरहना बेलिबास तवाफ़ किया करती थी? तो ये सारी तीनों चीज़ें इकट्ठी हुई पड़ी थी मुआशरे में, तो आपने उसके गठजोड़ को तबाह करना था, यानी काफिर का दोस्त जाहिल और तवाहम परस्त था, तवाहम परस्त के दोस्त जाहिल और काफिर थे, तो ये गठजोड़ जो था ये बड़ा मजबूत और ख़तरनाक था, इसको तोड़ना था। और एक और काम, पहला काम ये हो गया कि इन तीनों चीज़ों के, कुफर, जहालत और तवाहम परस्ती के गठजोड़ को तबाह करना। नंबर टू, सेट अप अ नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना, सेटअप कायम करना, नोबल कॉन्सेप्शन ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक अच्छा तसव्वुर, आला तसव्वुर। दो क्या, दो मकसद आप सल्लम के यहाँ पे मिशन है, मकसद पहला तो ये नेक्सस को तबाह करना था, इन तीनों चीज़ों, कुफर, जहालत, तवाम परस्ती के, दूसरा जिंदगी का आला तसव्वुर कायम करना, और तीसरा एंड लीड मैनकाइंड टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, इंसानियत को लेके कहाँ जाना है, इनसे निकाल के, कुफर, जहालत, क्लेश से निकाल के लेके कहाँ जाना है, टू द लाइट ऑफ फेथ एंड डिवाइन ब्लिस, ईमान के नूर की तरफ, नूरे ईमान की तरफ, एंड डिवाइन ब्लिस, और अल्लाह की ब्लिस होता है हैप्पीनेस, खुशनूदी, रजा, क्लियर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद तवाहम परस्ती, जहालत, कुफर, जहालत और कुफर के गठजोड़ को तबाह करना पहला मकसद था, दूसरा जिंदगी का एक आला तसव्वुर कायम करना, और तीसरा इंसानियत को ईमान के नूर और अल्लाह की खुशनूदी की तरफ ले जाना था।
नेक्स्ट पैराग्राफ 7, सिंस दिस बिलीफ, चूंकि ये अकीदा वॉज थ्रेटनिंग, धमका रहा था, डरा रहा था, देयर डोमिनेंस, उनके गलबे को, चूंकि ये अकीदा उनके गलबे को धमका रहा था, डरा रहा था, इन द सोसाइटी, माशरे में, चूंकि माशरे में यह अकीदा उनके गलबे को धमका रहा था, द पेगन अरब्स, बुत परस्त अरबों ने, पेगन क्या होते हैं, जो बुतों की पूजा करते हैं, बुत परस्त अरबों ने स्टार्टेड टू माउंट प्रेशर, दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, ऑन द रसूल सल्लम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, एंड हिज कंपेनियंस, यानी हिज फॉलोअर्स, और आपके सहाबा पर, क्योंकि मुआशरे में ये अकीदा, यानी हजूर सल्लम का अकीदा मुआशरे में उनके गलबे को धमका रहा था, उनका गलबा जो था वो मांद पड़ रहा था, उसको खतरा पड़ गया था कि उनका गलबा जो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए बुत परस्त अरबों ने रसूल सल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर, फॉलोअर्स के हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर, माउंट होता है इंक्रीज, माउंट सवार होना भी है लेकिन यहाँ पर इंक्रीज है, टू इंक्रीज प्रेशर, दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, दे वॉन्टिड, वो चाहते थे दैम टू रिनाउंस देयर कॉज, के उनके मकसद से बाज रखें, रिनाउंस क्या होता है, बाज रखना, छोड़ देना, कीदे से बाज आ जाना, इधर इलहादी हो जाना, क्लियर, अबैंडन योर फेथ, दे वॉन्टिड दैम टू रिनाउंस देयर कॉज, वो उन्हें उनके मकसद से, कॉज का मतलब मकसद भी होता है स्टूडेंट्स, उनके एम से, एंड टेक टू आइडल वर्शिपिंग, और उन्हें बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते, वो उन्हें मकसद से बाज रखना और उनको बुत परस्ती की तरफ ले जाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर दबाव बढ़ाना शुरू किया था, ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, ऑन वन ओकेजन, एक मौका पर, दे सेंट अ डेलीगेशन, उन्होंने एक वफ्द भेजा, टू द रसूल काइंड एंड केयरिंग अंकल, रसूल सल्लम के रहीम और शफीक चचा की तरफ, एक मौका पर उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और शफीक चचा हज़रत अबू तालिब की तरफ एक वफ्द भेजा, अब वो वफ्द क्यों गया, अब देखना ज़रा आप, ओके, दे उस वफ्द ने जाके कहा क्या है, दे टोल्ड हिम, उन्होंने आपसे कहा, टू रिस्ट्रेन द रसूल, के रसूल सल्लम को बाज रखें, फ्रॉम प्रीचिंग अल्लाह अलमाइटीज मैसेज, अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से, उन्होंने आपके चचा से कहा कि रसूल सल्लम को अल्लाह के पैगाम की तबलीग से बाज रखें, और फेस देयर एनमिटी, या उनकी दुश्मनी का सामना करें, स्टूडेंट्स एनमिटी के स्पेलिंग्स इंपॉर्टेंट है, एनिमी में एन के बाद ई आता है, लेकिन एनमिटी में ENMITY है, दुश्मनी को कहते हैं, ओके, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा, आप सॉरी आपसे कहा, यानी हजरत अबू तालिब से कहा कि वो रसूल सल्लम को अल्लाह ताला के पैगाम की तबलीग से बाज रखें, अगर नहीं बाज रखना तो फिर धमकी सुनें या उनकी दुश्मनी का सामना करें, आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहां पर एक सेंटेंस, डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक सेंटेंस मिस था, फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलमा, अपने आप को शशो पंज में पाकर, यानी उलझन में पाकर, क्लियर, डिलमा होता है DILLEMM, यानी इनडिसिसिवनेस, फैसला ना कर पाने की कैफियत को कहते हैं, शशो पंज भी कहते हैं, उलझन भी कहते हैं, क्लियर, अपने आप को फाइंडिंग हिमसेल्फ इन अ डिलमा, यानी आपके चचा ने अपने आप को शशो पंज में पाकर या उलझन में पाकर, उन्होंने अपने भतीजे को बुला भेजा, ही कॉल्ड फॉर हिज नेफ्यू, और सूरत हाल से आगाह किया, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, एंड एक्सप्लेन टू हिम द सिचुएशन, और उनसे सूरत हाल बयान की या उन्हें सूरत हाल से आगाह किया, द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिस्पॉन्डेड, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, विद दीज मेमोरेबल वर्ड्स, इन यादगार अल्फाज में, रसूल सल्लम ने इन यादगार अल्फाज में जवाब दिया, माई डियर अंकल, ए मेरे प्यारे चचा, इफ दे पुट द सन इन माई राइट हैंड, अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज भी रख दें, आफ्ताब आलम, आफ्ताब सूरज को कहते हैं, एंड द मून इन माई लेफ्ट, और चांद को मेरे बाएं हाथ में, यानी ला के रख दें, तो क्या बाज आ जाऊंगा, इवन देन, तब भी आई शैल नॉट अबैंडन, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं तर्क नहीं करूंगा, द प्रोक्लेमेशन ऑफ द वननेस ऑफ गॉड, खुदा की वहदानियत यानी तौहीद की तबलीग को, यानी आपने फरमाया मेरे प्यारे चचा, अगर वो मेरे दाएं हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद भी रख दें, तब भी
यानी रख दें, ये नहीं कहा कि रख दें तो छोड़ दूंगा, नहीं, ला के रख भी दें तब भी खुदा की वहदानियत यानी तौहीद की तबलीग नहीं छोड़ूंगा, उससे बाज नहीं आऊंगा, उससे किनारा कशी नहीं करूंगा, उससे मुंह नहीं मोड़ूंगा। और क्या करूंगा? आई शैल सेट अप ट्रू फेथ, मैं सही अकीदा कायम करूंगा, सच्चा अकीदा, क्लियर अकीदा हक, अकीदा हक कायम करूंगा अपॉन द अर्थ, सफाए दहर पर यानी जमीन पर, और पेरिश या डाई, मर जाऊंगा, पेरिश क्या होता है? एक्सपायर, डाई, किक द बकेट, किक द बकेट भी होता है मर जाना, या लुकमा अजल बन जाऊंगा या फना हो जाऊंगा, इन द अटेम्प्ट इस काविश में, मैं जमीन पर अकीदा हक यानी सही अकीदा कायम करूंगा, या चाहे इस कोशिश में मेरी जान चली जाए, चाहे इस कोशिश में मैं लुकमा अजल बन जाऊं, चाहे इस कोशिश में मैं खाल के हकीकी से जा मिलूं। पैराग्राफ नंबर 8, द रसूल्स अंकल, रसूल सल्लम के चचा, वाज सो इम्प्रेस्ड, इतने मुतासर हुए विद हिज नेफ्यूज फर्म डिटर्मिनेशन, अपने भतीजे के पुख्ता अजम से, मुसम्मम इरादे से, दैट ही रिप्लाइड, कि उन्होंने जवाब दिया, सन ऑफ माई ब्रदर, ए मेरे भाई के बेटे यानी भतीजे, गो दाई वे, अपने रस्ते पर चलो, नन विल डेयर टच दी, तुम्हें छूने की कोई जुरत नहीं करेगा, आई शैल नेवर फॉरसेक दी, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा यानी आपका साथ कभी छोड़ूंगा नहीं, आपको तनहा कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। और सुसलम के चचा अपने भतीजे के अजम समीम से इतने मुतासर हुए कि उन्होंने जवाब दिया, मेरे भाई के बेटे अपने रस्ते पर चलो, कोई भी तुम्हें छूने की जुर्रत नहीं करेगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा यानी तनहा नहीं छोड़ूंगा। स्टूडेंट साहब, हम पैराग्राफ नंबर 9 और 10 नेक्स्ट क्लिप में बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराग्राफ नंबर 9। अब सेकंड पार्ट चैप्टर 1 की बात करते हैं। एंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और रसूल सल्लम डिड गो द वे, उसी रस्ते पर चले। स्टूडेंट यहाँ पे डिड आया फोर्स के लिए, क्लियर, स्ट्रेस देने के लिए, जैसे किसी को लेटर लिखा जाता है तो लिखा होता है डू कम यानी जरूर आइएगा, क्लियर। सो डिड गो, चल कर ही रहे, द वे, उस रस्ते पर, उसी रस्ते पर ही चले, कौन से रस्ते पर, जो कि अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन, अल्लाह ताला ने जिसका इंतखाब किया था, चूज चोज चोजन फॉर्म ऑफ वर्ब है, याद रखनी है, चूज सी एच डबल ओ एस सी चूज फर्स्ट है, सी एच ओ एस सी चोज सेकंड फॉर्म है, और चोजन थर्ड, चूजन नहीं कहना, कई बच्चे चूजन कह देते हैं, क्लियर। सो दैट अल्लाह अलमाइटी हैड चोजन, जो अल्लाह ताला ने मुंतखब किया था या जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने किया था, फॉर हिम, आपके लिए, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी रास्ते पर ही चले जिसका इंतखाब अल्लाह ताला ने आप सल्लम के लिए किया था, क्लियर। आगे सेकंड सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ नंबर 9, इम्ब्यूड विद डिवाइन गाइडेंस, इम्ब्यूड स्टूडेंट होता है सरशार, लेस, भरा हुआ, क्लियर, सो ओवरफ्लोइंग, ओके, सो इम्ब्यूड, डिवाइन कोई भी चीज़ होती है वो गॉड की होती है, ऑफ अल्लाह की होती है, डिवाइन पावर यानी खुदाई ताकत, डिवाइन हेल्प, ओके, सो वो खुदाई मदद होगी, इसी तरह डिवाइन गाइडेंस है तो हिदायत इलाही, तो डिवाइन पावर मीन्स अल्लाह अलमाइटी। सो एंड फर्म रिजॉल्व, और पुख्ता इरादे से, मुसम्मम इरादे से, आहनी इरादे से, लैस या सरशार, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल सल्लम ने एनकाउंटर्ड ऑल द चैलेंजेस, तमाम मुश्किलात का सामना किया। चैलेंजेस यहाँ पर क्या होंगे? दरपेश जो मुश्किलात होती हैं उनको कहेंगे। एनकाउंटर स्टूडेंट होते फेस, ओके, मेट विद, सो सामना किया कैसे? अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विद ग्रेस एंड डिग्निटी, ग्रेस क्या होगी? शान, दिल अवेजी, अट्रैक्शन, क्लियर। डिग्निटी होती है वकार, शान, धज। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम मुश्किलात का सामना, देखो दो चीज़ें हैं, एक स्टूडेंट से ग्रेस, अट्रैक्शन यानी अपना दिल अवेजी के साथ, एंड डिग्निटी, और डिग्निटी क्या होती है? शान, ओके, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंची शान वालों ने दिल अवेजी और शान के साथ तमाम मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सपोर्ट कौन सी थी? एक तो आपका फर्म रिजॉल्व यानी मुसम्मम इरादा था, स्टूडेंट रिजॉल्व होता है इरादा करना, क्लियर, रेजोल्यूशन कहते हैं इरादे को,
ओके सो इसी तरह डिवाइन गाइडेंस हिदायत इलाही भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास थी, तो ये दो चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरशार थे, लैस थे, लदे हुए थे, भरे हुए थे। ओके सो डियर स्टूडेंट्स, इसका बा मुहावरा तर्जमा क्या होगा? इसका बा मुहावरा तर्जमा होगा कि हिदायत इलाही और मुसम्मम इरादे से सरशार। क्लियर, इसका पार्ट वन कर लें। हिदायत इलाही और मुसम्मम इरादे से सरशार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम आजमाइशों का सामना, ये दूसरा पार्ट कर लें। क्लियर, तो कैसे किया? दिल आवेजी और शान के साथ किया। सो दिस इज़ हाउ यू कैन डिवाइड एनी लॉन्गर सेंटेंस इनटू थ्री पार्ट्स एंड देन इट इज़ ईजियर टू सीक्वेंस इट, ऑर्गेनाइज इट। नेक्स्ट, इन नो टाइम यानी वेरी सून, बहुत जल्दी ही एलिवेटेड मैन, आपने इंसान को सरबुलंद किया। स्टूडेंट आपको पता है कि जो बरकी सीढ़ी होती है दो तरह की होती है, एक होती है एलिवेटर जो बिल्कुल सीधी 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर, एक होती है एस्केलेटर, क्लियर, जो समवेयर 60-70 डिग्री के एंगल पे जाती है। सो जो एलिवेट होता है ऊपर ले जाना, सरबुलंद करना। सो इन नो टाइम यानी वेरी सून, बहुत जल्दी ही एलिवेटेड मैन, आपने इंसान को सरबुलंद किया। टू द हाईएस्ट पॉसिबल लेवल, हाईएस्ट होगा आला तरीन, पॉसिबल मुमकिन, लेवल क्या होती है? सतह। तो आपने जितना आला तरीन मुमकिन हो सकता है उस सतह तक इंसान को, मुमकिन आला तरीन सतह तक एलिवेटेड बुलंद किया। ओके, इन बोथ दोनों में, कौन से दोनों मैदानों में? द स्पिरिचुअल रूहानी एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स हो गए मैदान, क्लियर, फील्ड्स, एरियाज। ओके, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों रूहानी, स्पिरिचुअल एंड वर्ल्डली और दुनियावी डोमेन्स मैदानों में इंसान को मुमकिन आला तरीन सतह तक सर बुलंद किया। सो बा मुहावरा तर्जमा देख लें, जल्द ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या मुख्तसर ही वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को दोनों, कौन सी, रूहानी और दुनियावी मैदानों में क्या किया? मुमकिन आला तरीन सतह तक सर बुलंद किया। ओके, नेक्स्ट, ही वॉज ऑल्सो अ ड्राइविंग फोर्स। स्टूडेंट, ड्राइविंग फोर्स ऐसी फोर्स होती है, ऐसी कुव्वत, ऐसी पुल है, क्लियर, जो दूसरों को मुतहर्रक करती है, मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है, इंस्टिगेट करती है, अर्ज करती है, यू आर जी ई अर्ज। ओके, सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुतहर्रक कुव्वत भी थे, किसके पीछे? बिहाइंड अरब खान कैस्ट। ओके, अरब फतुहात के पीछे, विच हैव, और उन अरब फतुहात ने क्रिएटेड, पैदा किया है, छोड़ा है एन एवर लास्टिंग इम्प्रेशन। स्टूडेंट, एवर लास्टिंग है दायमी, अबदी, हमेशा रहने वाला, क्लियर। सो जिन्होंने अरब फतुहात, जिन्होंने एक दायमी नक्श छोड़ा है, दायमी असर छोड़ा है, किस पर? ऑन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख पर। ओके, सो जिन्होंने इंसानी तारीख पर दायमी नक्श छोड़ा है, उन अरब फतुहात के पीछे आप सल्लम ही वॉज अ ड्राइविंग फोर्स, एक मुतहरक कुव्वत थे। सो इसका बा मुहावरा तर्जमा क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतुहात के पीछे एक मुतहर्रक कुव्वत थे, और जिन्होंने इंसानी तारीख पर एक दायमी नक्श छोड़ा है, या आप यूं भी कर सकते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब फतुहात के पीछे जिन्होंने इंसानी तारीख पर एक दायमी नक्श छोड़ा, एक मुतहर्रक कुव्वत थे, या तहरीकी कुव्वत भी कह सकते हैं स्टूडेंट। क्या लिख लें आप? तहरीकी कुव्वत, यानी तहरीक देने वाली। ओके, नेक्स्ट, अगर नो वंडर, बिला शुबा, नो वंडर क्या होता है? बिला शुबा, ही इज़ यूनिवर्सली एक्नॉलेज्ड, आपको आलमी तौर पर तस्लीम किया, एक्नॉलेज क्या होता है? एडमिट। ओके, सो आप सलम ही इज़ यूनिवर्सली एडमिटेड, तस्लीम किए गए हैं आलमी तौर पर, एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर, इंतहाई बा असर शख्सियत, फिगर यहाँ पर होगा पर्सनैलिटी, इन हिस्ट्री, तारीख में। तो तारीख में आप सलम को आलमी तौर पर, क्लियर, क्या, बिलाशुबा एक बा असर, इंतहाई बा असर, तारीख की सबसे बा असर शख्सियत तस्लीम किया गया है। इन द वर्ड्स ऑफ माइकल हार्ट, माइकल हार्ट के अल्फाज में, ये माइकल हार्ट कौन है डियर्स? अ ग्रेट हिस्टोरियन, एक मुअर्रख, स्टूडेंट इसे तारीख दान भी कहेंगे और मुअर्रख भी कह सकते हैं, जो हिस्ट्री लिखता है। सो एक अजीम मुअर्रख माइकल हार्ट के अल्फाज में, अब अल्फाज सुने स्टूडेंट, आप खुद कहेंगे कि वाकई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानी तारीख की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर यानी पर्सनैलिटी है, इंतहाई बा असर शख्सियत है। अब देखते हैं कि माइकल हार्ट ने क्या कहा है। स्टूडेंट्स, माइकल हार्ट कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाउएवर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम क्या थे? वॉज रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार थे फॉर बोथ, दोनों के। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? यही चैलेंजिंग है।
थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लाम के मजहबी अकायद, थियोलॉजी स्टूडेंट्स किसी भी मजहब के बिलीव्स होते हैं, ओके, नॉर्म्स होती हैं, सेट्स ऑफ बिलीफ होते हैं। तो इस्लाम के अकायद, क्लियर, या मजमुआ हाय अकायद, यानी अकायद का मजमुआ जो है, एंड इट्स मेन एथिकल, और इसके अहम अखलाकी एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, और इसके इस्लाही उसूलों के जिम्मेदार थे। सो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम दोनों, ये देखिए चीज़ें, दोनों चीज़ें कौन सी हैं, इस्लाम के अकायद और दूसरा इसके अहम अखलाकी और इस्लाही उसूल हैं। सो इसका बामुहावरा तर्जुमा यहाँ तक हम अलहदा करेंगे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताहम दोनों इस्लाम के अकायद और इसके अहम अखलाकी और इस्लाही उसूलों के जिम्मेदार थे, ओके, वॉज। आगे इन एडिशन मज़ीद ये कि ही प्लेड अ की रोल, आपने कलीदी किरदार अदा किया, यानी अहम किरदार अदा किया, बैकबोनल किरदार अदा किया, किस में, इन प्रोजिलिटाइजिंग तबलीग में। स्टूडेंट प्रोजिलिटाइजिंग के स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, PROSE प्रोस LY प्रोसली TIZING। तो तबलीग में, अशात में, प्रचार में किसकी, ऑफ द न्यू फेथ, नए अकीदे की। तो आप ने नए अकीदे की तबलीग में एक अहम किरदार अदा किया। और स्टूडेंट एक और चीज़ है, एंड इन इस्टेबलिशिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी रसूमात के इस्टेबलिशिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस के क़याम में, मजहबी रसूमात के क़याम में, यानी उनको कायम करने में। तो पता चला इस जुमले को दो पार्ट में कर लेंगे, मजीद ये कि आप ने नए अकीदे की तबलीग यानी प्रोसेलिटाइजिंग, और इन सेटिंग अप क्या, इस्टेब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और मजहबी रसूमात के क़याम में प्लेड अ की रोल, कलीदी किरदार अदा किया या अहम किरदार अदा किया। स्टूडेंट्स एक्चुअली माइकल हार्ट एक हिस्टोरियन है, उसने एक बुक लिखी है 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटीज इन द वर्ल्ड, क्लियर। उसमें टॉप नंबर जो फर्स्ट रैंकिंग है वो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिरुज़्ज़मां की है। तो अब देखिए वो मजीद माइकल हार्ट क्या कहता है। माइकल हार्ट स्टूडेंट्स कह रहा है कि इन फैक्ट, दर असल, दर हकीकत, एज द ड्राइविंग फोर्स, तहरीकी कुव्वत के तौर पर, ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, तहरीकी कुव्वत, यानी वो ताकत जो लोगों को मोटिवेट करती है। बिहाइंड द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब फतुहात के पीछे तहरीकी कुव्वत के तौर पर, ही मे वेल रैंक, उन्हें बेहतर या खूब दर्जा दिया जा सकता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर ऑफ ऑल टाइम, क्लियर, हर दौर के, तमाम अदवार के, स्टूडेंट ऑल टाइम्स, तमाम अदवार के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल लीडर, इंतहाई बाअसर सियासी रहनुमा, ओके। सो दरअसल माइकल हार्ट जो एक क्रिश्चियन हिस्टोरियन है, क्लियर, उसने क्या कहा है कि दरअसल अरब फतुहात के पीछे तहरीकी कुव्वत के तौर पर आप सल्लम को इन हर दौर के या तमाम अदवार के इंतहाई बाअसर सियासी रहनुमा का, पॉलिटिकल लीडर, क्लियर। सवाल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर चीज़ के, सियासी, मजहबी, समाजी, क्लियर, ज़िंदगी के हर शोबे के रहनुमा थे, लेकिन उन्होंने सियासी पहलू देखा है, क्लियर। आगे देखिए, यानी कि असल में ये जिहाद का जज्बा मुसलमानों में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डाला था, इसी वजह से उन्होंने जंगें नहीं लड़ी, ना ही फतुहात ये की हैं, बल्कि ये जो जिहाद का नतीजा था। उसके बाद द अरब कॉन्क्वेस्ट, अरब फतुहात ऑफ द 7th सेंचुरी, सातवीं सदी की। स्टूडेंट यह आपको पता चला है कि फतुहात कब हुई थी, सातवीं सदी में, क्लियर, हैव कंटिन्यूड, सातवीं सदी की अरब फतुहात ने जारी रखा है टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, अहम किरदार अदा करना, किस में, इन ह्यूमन हिस्ट्री, इंसानी तारीख में, कब तक, डाउन टू प्रेजेंट डे, आज के दिन तक, असरे हाजिर तक। सो सातवीं सदी की अरब फतुहात ने, ये पहला पार्ट कर लें, इंसानी तारीख में आज के दिन तक, दो पार्ट कर लें, और तीसरा एक अहम किरदार अदा करना जारी रखा है, यानी आज भी उन फतुहात का किरदार जारी है, क्लियर, आज भी उन फतुहात की वजह से जो लोग मुसलमान हुए थे वो आज भी मुसलमान और मजीद हो रहे हैं। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं पैराग्राफ नंबर 10 की, पैराग्राफ 10 चैप्टर 1, सच अ थरा ट्रांसफॉर्मेशन। थरा स्टूडेंट होता है कंप्लीट, मुकम्मल, थरा मीन्स कंप्लीट, ओके। सो ऐसी मुकम्मल तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है, चेंज ऑफ मैन एंड सोसाइटी, इंसान और माशरे की, इंसान और माशरे की, सच अ थरा ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसी मुकम्मल तब्दीली, क्लियर,
क्या हुआ सिंध को अमल तब्दीली को, उस टू की मरहूने मिन्नत है, की बदौलत है, किसकी बदौलत है स्टूडेंट्स? द रसूल्स डीप फेथ तीन चीज़ों पर है। रसूल सल्लम के डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला पर गहरे ईमान की बदौलत है, की मरहूने मिन्नत है। उस टू का मतलब मरहूने मिन्नत होना, की बदौलत होना, के बायस होना। ओके, सो पहला क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या गहरे ईमान पर, रसूल सल्लम के अल्लाह पर गहरे ईमान। और दूसरी कौन सी चीज़ है, टू हिज़ लव फॉर ह्यूमैनिटी, आपकी इंसानियत के लिए मोहब्बत। तो दूसरी वजह देखो, इंसान और माशरे में ऐसी मुकम्मल तब्दीली अल्लाह के रसूल सल्लम तीन वजूहात की बिना पर लाए हैं। पहली है आप सल्लम का अल्लाह पर गहरा ईमान था, दूसरी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसानियत से मोहब्बत थी। ओके, सो लव फॉर ह्यूमैनिटी है, और तीसरा एंड द नोबिलिटी ऑफ हिज कैरेक्टर, और तीसरा है किरदार की शराफत। ओके, सो इंसान और माशरे की ऐसी मुकम्मल तब्दीली रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीन चीज़ों की है, अल्लाह पर गहरे ईमान, दूसरा है आपकी इंसानियत से मोहब्बत, और तीसरा है उनके किरदार की शराफत की वजह से है, या कि मरहूने मिन्नत है। नेक्स्ट, इंडीड दर हकीकत हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक उस्वा हसना है, मुकम्मल नमूना है, उस्वा कामिल है, किस लिए, टू फॉलो, पैरवी के लिए। तो पैरवी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी उस्वा कामिल है। ओके, सो अब्दुल्ला हक प्लीज़ फोकस, ओके सो हिजा फातमा प्लीज़ बी सीरियस एंड फोकस वेल। दर हकीकत, इंडीड दर हकीकत, हिज लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल, आपकी ज़िंदगी उस्वा कामिल है, टू फॉलो, पैरवी के लिए। दर हकीकत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पैरवी के लिए उस्वा कामिल है, उस्वा हसना है। अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं डियर स्टूडेंट। इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, यहाँ पे इन आ आएगा स्टूडेंट, इन अ रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, एक सवाल के जवाब में, अबाउट हिज लाइफ, आप सल्लम की ज़िंदगी के, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में, हज़रत आयशा सैद, हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन, हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, क्या फरमाया, हिज़ मॉरल्स एंड कैरेक्टर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार। मॉरल्स क्या होंगे स्टूडेंट्स, इखलाक गुड, और कैरेक्टर, शाबाश गुड। सो किरदार आर एन एम्बोडीमेंट, एक अमली मुजस्मा है ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का। सो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में एक सवाल के जवाब में हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक और किरदार कुरान पाक का क्या है, अमली मुजस्मा है, अमली नमूना है। ओके, सो द फाइनल वर्ड, आखिरी बात, हतमी बात। ओके, सो आखिरी अल्फाज जो हैं, अबाउट द सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इंसानियत के निजात दहिंदा के, मन जा जो निजात दिलाने वाला है। ओके, सो क्योंकि दुनिया में गुमराही से निजात दिलाकर अल्लाह के रसूल सल्लम ने नूर ईमान की तरफ हमें रास्ता दिखाया है, क़यामत के दिन इंशाल्लाह वो हमारी शफात भी करेंगे। सो ऑफ द होली कुरान, कुरान पाक का, सो कुरान पाक में, क्लियर, कुरान पाक में आखिरी बात जो है इंसान के निजात दहिंदा यानी मनजा के बारे में, मनजा इंसानियत के बारे में आखिरी बात कुछ यूं लिखी हुई है, इस तरह से है, किस तरह से है कि रसूल श्योरली, ए रसूल सल्लम यकीनन, ओके, वी सेंट यू, हमने आपको भेजा है एज विटनेस, शाहिद बनाकर यानी गवाही देने वाला, क्लियर, एंड अ बेरर ऑफ गुड न्यूज़, और खुशखबरी सुनाने वाला यानी मुबशिर बनाकर भेजा है, एंड एज अ वॉर्नर, और एक नज़ीर यानी इंतबाह करने वाला, डराने वाला बनाकर भेजा, यानी जो अल्लाह के अजाब से डराए, खुशखबरी दे जन्नत की, क्लियर, अल्लाह की रजा की खुशखबरी देने वाला, शाहिद गवाही देने वाला। ओके, सो हम बेशक हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तीन चीज़ें, शाहिद, मुबशिर और नज़ीर बनाकर भेजा है, और एक और चीज़ है चौथी, एंड सो एज सो, और ऐसा बनाकर भेजा है, इनवाइटिंग, बुलाने वाला टू अल्लाह, वदायन इलल्लाह, और अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, बाय हिज परमिशन, बेइज़्ने ही, उसके इज़्ज़त से, उसकी इजाज़त से, उसकी यानी एच कैपिटल है तो अल्लाह अलमाइटी की इजाज़त से, एंड एज अ लाइट गिविंग टॉर्च, और एक रोशन चिराग बनाकर, सिराजम मुनीरा, रोशन चिराग बनाकर भेजा है। तो ये कुरान मजीद में आखिरी अल्फाज हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, जो कि इंसानियत के निजात दहिंदा हैं।
थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल योर एग्जाम्स इन दिस वर्ल्ड एंड द वर्ल्ड हियर आफ्टर. अल्लाह हाफिज़.